प्रीव्यू शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप ये प्रीव्यूज पहली बार देख रहे हैं, जस्ट साइन इन का मतलब यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। अगर यहाँ टिक है, जैसे आप देख सकते हैं पिच के नीचे टिक है, इसका ये मतलब है कि जो पिच है वो प्लेयर को सूट करती है। क्रॉस है मतलब वहां पे खराब है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रॉस मतलब उस प्लेयर का स्पेसिफिक का फॉर्म खराब है। उसके अलावा यहाँ आपको दिख रहा है एक अपॉर्चुनिटी मीटर ऑन द टॉप राइट एंड रिस्क मीटर ऑन द बॉटम राइट। तो अपॉर्चुनिटी मीटर जितनी ज्यादा ज्यादी उतनी ज्यादा अच्छा, मतलब प्लेयर को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन द गेम। जैसे जयसवाल ओपनिंग करते हैं तो उनकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ जाती है, या अगर आप कोई ऑलराउंडर का प्लेयर कार्ड देखेंगे तो वहां पे भी अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज्यादा होगी, एज लाइकली ज्यादा है कि वो ज्यादा खेलें। रिस्क मीटर एक मिक्स चीज है, बोलर्स के लिए ज्यादा हो तो बेहतर एंड बैटर्स के लिए कम हो तो बेहतर, क्योंकि अगर बैटर कम रिस्क लेता है मतलब आपको ज्यादा फैंटेसी वैल्यू दे सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं विद जॉस बटलर। वाल अगर ज्यादा रिस्क ले रहा है मतलब बाउंड्री बोनस पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, बट ये भी चांस है कि जल्दी आउट हो जाए। तो रिस्क मीटर जितना कम बेहतर फॉर द बैटर एंड जितना ज्यादा फॉर द बॉलर उतना बेहतर, क्योंकि अगर एग्रेसिव बॉलर है तो विकेट लेने के चांस ज्यादा। एंड रिस्क ड्रॉप का क्या मतलब है कि क्या सिचुएशन में आप इस बैटर को ड्रॉप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल दो कैन बी क्रैम्प विद बॉल्स क्लोज टू द बॉडी, मतलब अगर कोई पेसर है सामने वाली टीम में जो उस तरीके की बॉलिंग करता है तो आप चांस ले सकते हैं उस स्पेसिफिक बैटर पे। तो ये हुए मतलब इन स्पेसिफिक चीजों का, एंड अब चलते हैं प्रीव्यू की तरफ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के फैंटेसी प्रीव्यू में। मुकाबला है यहाँ पे पंजाब बनाम मुंबई एंड खेला जाएगा ये गेम एट मुलनपुर एंड चंडीगढ़। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस इस गेम में क्या हो सकता है अलग, ये सब डिस्कस करेंगे थ्रू आउट टिल द एंड ऑफ दिस प्रीव्यू। इंश्योर आप एंड तक बने रहे एंड जस्ट फॉर फन प्रिडिक्ट इन द कमेंट्स, आपको क्या लगता है कितने रन बनाएंगे आज रोहित शर्मा, जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। मेरी विन प्रिडिक्शन इस गेम में मुंबई इंडियंस की तरफ, मुझे लगता है उनका पलड़ा है यहाँ पे काफी भारी हो सकता है। अब आप ये पूछेंगे मुझसे कि ये विन प्रिडिक्शंस को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो लास्ट गेम में भी जैसे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे आप रियल 11 पे इन प्रिडिक्शंस को यूज कर सकते हो, रियल 11 का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्या करना है आपको, सिंपली वहां पे जाना है एंड यस या नो आपको मार्क करना है। आपको क्या लगता है कि विल विच टीम विन द मैच लूज द मैच, यस एंड यस या नो वहां पे मार्क करिए एंड आप जीत सकते हैं रिवॉर्ड। जैसे आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे मैंने नो मार्क किया था लास्ट गेम में, 100 का मुझे यहाँ पे 865 वापस मिला था। सो गुड चांस फॉर यू टू मेक सम प्रॉफिट एंड हर गेम में ये इवेंट्स लाइव होता है। तो ये हुई आज की विन प्रेडिक्शन की बात, टैक्टिकल कॉर्नर की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहाँ पे वाइल दोनों टीम स्ट्रांग है, हमें पता है कि ओपनिंग बॉलिंग दोनों टीम्स की एक स्ट्रांग सूट है। वाइल पंजाब स्पेशली अगर धवन वापस नहीं खेलते हैं यहाँ पे तो बहुत ही उनके लिए एक वीक टॉप ऑर्डर है, वाइल पंजाब की ओपनिंग बॉलिंग काफी स्ट्रांग है रबाड़ा एंड अर्शदीप, तो रोहित एंड किशान के लिए वहां पे कुछ थ्रेट हो सकता है। एज मुलनपुर में हमने दोनों इनिंग्स में अर्ली मूवमेंट देखी है, सो वो एक चैलेंज होगा अक्रॉस दिस इनिंग्स, एज वो जो फेज है बॉलर्स को ज्यादातर फेवर करता है दिस वेन्यू। उसके अलावा एक अच्छी बैटिंग ट्रैक थ्रू आउट द मिडल ओवर्स, इंडियन T20 लीडर बोर्ड चल रहा है माई मास्ट 11, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो अभी के अभी कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट भी है। साथ साथ में अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो आपके यहाँ पे एंट्री फीस भी बच जाएगी क्योंकि एंट्री फी कम है इन कंपेरिजन टू अदर एप्लीकेशंस। रिमेंबर टू ज्वाइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिक प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम, फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स वहीं वहीं पे मिलेंगे आपको। एंड याद रखिए कोई भी हमारा पेड चैनल नहीं है, तो अगर कोई आपको बोले पेड है फिक्स्ड है ये सब टोटली बकवास है, जो चैनल है एक ही है वो इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में। एंड रिमेंबर टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर आपको कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड बेल आइकन हिट करिए ताकि आगे के जो भी वीडियोज है उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। क्लियर वेदर एक्सपेक्टेड फॉर दिस गेम, एक पूरा मुकाबला यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए एंड यहाँ पे अच्छी बैटिंग ट्रैक्स ज्यादातर देखने को मिलती है, स्टार्टिंग में कुछ मूवमेंट हो सकता है, उसके अलावा गेम विल बी स्टैंडर्ड प्रोसीजर। अब बात करें एक्सपेक्टेड इलेवन की तो यहाँ तो धवन मोस्टली अनलाइकली टू प्ले, तो वहां पे ऊपर आ जाएंगे अथर्व वतार्डे, शशांक सिंह इन द मिडल ऑर्डर, जितेश शर्मा तक बैटिंग एंड लोअर ऑर्डर में आपके वही जो चार पेस बॉलर सबसे इंपॉर्टेंट कॉग होंगे अलॉन्ग विथ हरप्रीत ब्रार। मुंबई इंडियंस की बात की जाए तो सिमिलर 11 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पीयूष चावला प्रॉब्ली वापस आ जाए, श्रेयस गोपाल ज्यादा ओवर्स डाल नहीं रहे इन द लास्ट फ्यू गेम्स। अब चलते हैं स्ट्रेट टुवर्ड्स द टीम पंजाब किंग्स एंड समझते हैं कौन से होंगे उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। सो वी स्टार्ट हियर विद अथर्व वतार्डे वर्सेस एमआई, एक मैच में 19 रन एंड एट चंडीगढ़ 4 मैचेस में काफी सारे रन, सो अच्छा रिकॉर्ड वहां पे
बट अब तक फॉर्म कुछ खास नहीं। बुमराह एंड कुर्जी के सामने टास्क आसान नहीं होगा, तो अनलेस फ्लैट बैटिंग कंडीशंस है तो जीएल में ट्राई करेगा, एल्स इग्नोर कर सकते हैं। गेम में जॉनी बेस्ट तो इनका फॉर्म भी कुछ खास लगा नहीं है, एंड वापस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बुमराह एंड कुर्जी इनके सामने डालेंगे। ये प्रॉब्ली इस टीम के मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटर रहेंगे, एज अगर इनके लिए दिन नहीं चला तो प्रॉब्ली किसी और के लिए यहाँ पे कतई नहीं चलेगा। एट चंडीगढ़ 3 मैच में सिर्फ 24 रन। फिर यहाँ पे प्रभसिमरन सिंह वर्सेस एमआई 2 मैचेस 35 रन एंड एट चंडीगढ़ 3 मैचेस 40 रन। सो वापस कुछ खास नंबर्स नहीं, रिकॉर्ड कुछ खास नहीं, ये एक कंसिस्टेंट पैटर्न आप देखेंगे विद मोस्ट ऑफ द पंजाब बैटर्स की फॉर्म साथ में किन्हीं का भी आया ही नहीं है, जिसका ये मतलब है कि आपके लिए बहुत सारी तकलीफें यहाँ पे हो सकती है इन द मिडिल ऑर्डर। लेट्स सी कि कौन से हम यहाँ पे जीएल पिक्स उठा सकते हैं। सैम करन ये हो सकते हैं इंपॉर्टेंट वर्सेज एमआई 6 मैचेस 133 रन एंड 5 विकेट्स, एक टॉप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस एंड एट चंडीगढ़ भी ठीक ठाक नंबर। तो अगर ये पहले बैटिंग करते हैं तो भी अच्छे हैं, फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो फिर मे भी आपको कुछ ओवर्स डेप्थ में भी दे सकते हैं। लियम लिविंगस्टन इनका भी फॉर्म कुछ खास नहीं रहा, वर्सेस एमआई 4 मैचेस 95 रन एंड एट चंडीगढ़ 2 मैचेस 59 रन। हो सकता है कि एक दो ओवर्स ऑफ स्पिन के लिए बुलाए जाए, स्पेशली अगेंस्ट ईशान किशन एंड तिलक वर्मा, बट डायरेक्टली एज अ बैटर वापस इन्हें पिक करना मुश्किल होगा क्योंकि आपके पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शन होंगे फ्रॉम द मुंबई इंडियंस। जितेश शर्मा है इनके साथ भी फॉर्म नहीं रहा, ये पहले खेल चुके हैं फॉर मुंबई एंड स्पिन अच्छा खेल लेते हैं, लास्ट गेम में फाइनली कुछ ग्लिम्सेस दिखाया वो फॉर्म, बट वो भी एक थोड़ा जल्दी ड्रॉप हो गए थे। सो जब दूसरे आपके पास ऑप्शन किसान है जो बैटिंग ओपन करते हैं तो ऑफकोर्स आपको फेवर उन्हें ही करना पड़ेगा, बट ये एक टॉप जीएल ऑप्शन आपके लिए बन जाएंगे और सिक्स हिटिंग बहुत अच्छी करते हैं। शशांक सिंह इनका फॉर्म अच्छा रहा है एंड पहले बैटिंग करते हैं तो आप प्रॉब्ली उन्हें बैक कर सकते हो, बट वापस बुमराह एंड कुर्जी के सामने टास्क इजी नहीं रहेगा। तो ऑल इन ऑल आई थिंक आपको ऑलराउंडर्स को ज्यादा फेवर करना पड़ेगा और सामने वाली टीम की बॉलिंग काफी स्ट्रॉन्ग। हरप्रीत बरार 3 मैच में 1 भी विकेट नहीं इन फ्रंट ऑफ मुंबई एंड एट चंडीगढ़ 3 मैच में सिर्फ 1 विकेट, तो ज्यादा स्पिन मिला नहीं है इस विकेट से एंड बैटिंग वैल्यू अब तक कुछ खास दे नहीं पाए हैं। सो वापस एक कंसर्निंग पिक बनेंगे, अगर कुछ साइंस ऑफ टर्न या स्लोनेस रहेगी इन द ट्रैक तो तब ये बिल्कुल गेम में आ जाएंगे। हर्षल पटेल पहले बॉलिंग करते हुए डेफिनेटली साइड में रहेंगे, 13 मैचेस 21 विकेट्स वर्सेस एमआई बहुत अच्छे नंबर्स एंड एट चंडीगढ़ 3 मैचेस में 5 विकेट। सो डेफिनेटली इफ ही बोल्स फर्स्ट इफ ही इज बॉलिंग सेकंड ओनली, अगर मुझे लगता है एक बहुत बड़ा स्कोर यहाँ पे बनेगा। कगिस रबाडा एंड हर्षदीप सिंह दोनों फेजेस में इंपॉर्टेंट बॉलर्स रहेंगे, अच्छे नंबर्स इनके वर्सेज एमआई एंड एट चंडीगढ़, एंड क्योंकि स्टार्टिंग में हेल्प रहेगी तो ये दोनों बॉलर्स दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट रहेंगे, हेंस आप दोनों फेजेस में इन्हें पिक करेंगे। एंड मैं क्या कहूंगा कि फर्स्ट बॉलिंग करते हुए अर्शदीप एक अच्छे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस भी बन जाएंगे। तो ये हुई पंजाब किंग्स की बात, एंड राहुल चहर शिखर धवन अनलाइकली टू प्ले दिस वन। इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड भी चल रहा है ऑन माई मास्ट 11, जहाँ जैसे आप ज्यादा लीग ज्वाइन करेंगे आपकी रैंक बढ़ती जाएगी, तो आप भी ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए एंड कुछ टॉप प्राइजेस यहाँ पे लेके जाइए। अब चलते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ। अब यहाँ पे हर प्लेयर जिन्हें आप ड्रॉप करेंगे वो एक रिस्क बनेगा, समझते हैं किस सिचुएशन में आप इन पे रिस्क ले सकते हैं। अगर मुलन पर मैं कैप्टन्स कहते हैं कि अपफ्रंट मूवमेंट रहेगी स्पेशली पहले बैटिंग करते हुए, तो रोहित शर्मा पे उस केस में बिल्कुल चांस बनता है, एज रबाडा एंड अर्शदीप के सामने बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला विथ मूवमेंट। सेम फॉर ईशान किशन, बट इनके साथ थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाएगा एज जो दूसरे वाले ऑप्शन है दोनों का फॉर्म कुछ खास नहीं है, ना बेस्टो का ना जितेश का, तो ये और जीएल ड्रॉप ही बनेंगे आपके लिए। सूर्य कुमार यादव मैं कहूंगा मोस्टली कोई भी सिचुएशन में मत ड्रॉप करिए। एक जो चीज आप देखेंगे इनके साथ कि जैसे ये बैटिंग पे आएंगे उसी ओवर या अगले ओवर में हरप्रीत बरार को लाया जाएगा, एज इनकी एक ही तकलीफ रही है ज्यादातर वो है लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने। सो डोंट बी सरप्राइज कि वो अगर वापस किया जाए, बट अगर उनके सामने आउट नहीं हुए तो प्रॉब्ली इनका एक अच्छा दिन यहाँ पे हो सकता है, ये एक टॉप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस। तिलक वर्मा एक और अच्छी पिक इस मिडल ऑर्डर में, एंड अगर आपको लग रहा है मूवमेंट के चलते हुए अर्ली कुछ विकेट्स गिरेंगे तो वहां पे तिलक का रोल एक अच्छा खासा वाला बन जाएगा टू स्टेबलाइज एंड टू पेस द इनिंग। सो डेफिनेटली इन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या मिडल ऑर्डर बैटर प्लस पेसर एंड 8 विकेट्स 246 रन, अगेन एक कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस बनेंगे। फॉर्म इनका कुछ खास रहा नहीं है, बट हर गेम में 2 से 3 ओवर एंड कुछ कुछ बैटिंग अपॉर्चुनिटीज, एंड आप उन्हें छोड़ नहीं पाएंगे एंड क्योंकि अपॉर्चुनिटी वैल्यू काफी हाई है, मोस्ट गेम्स में आपको 40-50 पॉइंट्स तो फैंटेसी वैल्यू दे के जाते हैं, तो थोड़े से सेफ पिक बन जाते हैं।
टिम डेविड पहले बैटिंग करते हुए तो डेफिनेटली कंसिडर करूंगा, एल्स एक जीएलपी की, क्योंकि सेकेंड बैटिंग में कितने रन का चेज होगा, कितनी अपॉर्चुनिटी होगी, दैट विल बी वेरी वेरी अनसर्टेन। रोमारियो शेपर्ड एक मैच में 26 रन एंड नॉट मच टू टॉक अबाउट, फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है। मोहम्मद नबी लोअर ऑर्डर बैटर एंड ऑफ स्पिनर वर्सेस पंजाब, 4 मैचेस 38 रन एंड 1 विकेट। सामने वाली टीम में कुछ लेफ्ट हैंडर्स हैं बट इसने सारे भी नहीं किया, आप डायरेक्टली ने पिक कर पाए, सो वापस ये पिच डिपेंडेंट रहेगा। अगर बोलनपुर के टिपिकल कंडीशंस को देखा जाए तो मोस्टली इन्हें भी बेस टीम में लेना काफी मुश्किल रहेगा। पीयूष चावला अगर ये खेलते हैं इस गेम में, या श्रेयस गोपाल भी खेलते हैं, तो दोनों यहाँ पे एक्स फैक्टर पिक्स आपके लिए बन सकते हैं, लो सिलेक्ट पिक्स होंगे। एंड जो जीटी का मिडिल ऑर्डर रहा है आउट ऑफ फॉर्म, बहुत ही ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि स्पिनर वहां पे आके परेशान करे, तो डोंट बी सरप्राइज की अगर मेरी बेस टीम में जगह ढूंढ ले। आकाश मधवाल पहले बोलिंग करते तो डेफिनेटली बेस टीम में रहेंगे, सेकंड बोलिंग करते हुए एक 50-50 पिक बन जाएंगे। उसके अलावा जेराल्ड क्विट्जिया डेफिनेटली अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक, अप फ्रंट जो मूवमेंट है, डेथ में जो वैल्यू है, दोनों हिसाब से आपको विकेट्स लेके देंगे, चाहे पहले बोलिंग करे या सेकेंड, एंड एक टॉप कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस। सेम फॉर जसप्रीत बुमराह, ये फर्स्ट सेकेंड बोलिंग दोनों में एक टॉप कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस। एंड एज फार एज एम आई बोलर्स आर कंसर्न, मैं वही चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पंजाब की बैटिंग की फॉर्म जो है अप एंड डाउन रही है, एंड ज्यादातर जब जीते भी हैं तो काफी विकेट्स हार के जीते हैं, तो वो हिसाब से आई थिंक कि विकेट्स गिरना यहाँ पे लाइकली होगा। चलते हैं मैचअप्स की तरफ। सूर्या वर्सेज रवाड़ा, 55-39 एंड 3 डिसमिसल, अप फ्रंट मूवमेंट रहेगी तो ये डिसमिसल और आधा ये मैचअप फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। रोहित वर्सेज हर्षल, 37-23, बट हर्षल काफी लेट आते हैं द बोलिंग अटैक में, भी एक सरप्राइज ओवर जल्दी दिया जाए। सैम वर्सेस जसप्रीत बुमराह, 18-12 एंड 2 डिसमिसल, सो डोंट बी सरप्राइज अगर जसप्रीत इमिडिएटली आ जाए जैसे सैम कम्स आउट टू बैट। एंड रोहित वर्सेस रबाडा, 37-25 एंड 2 डिसमिसल, सो सम इंटरेस्टिंग मैचअप्स फॉर रोहित। लेट्स सी कि कैसे इन मैचअप्स को यूज किया जाता है इन दिस गेम। अब बनाते हैं हमारी आज की फैंटेसी। चलेंगे पहले स्ट्रेट टू द स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स। ईशान किशन होंगे एक पिक, यहाँ से रोहित शर्मा सूर्य कुमार होंगे वो दूसरे दो पिक्स। ऑलराउंडर सेक्शन से सैम करन हार्दिक पांड्या डेफिनेटली आपकी बेस टीम में रहेंगे, एंड बॉलिंग सेक्शन में जसप्रीत बुमराह, कगिस रबाडा, अर्शदीप सिंह एंड जेराल्ड क्विट्जिया होंगे मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स। अब भाई आप लास्ट दो पिक्स कैसे करेंगे, क्या सिचुएशन में, अगर पंजाब पहले बोलिंग करती है तो आप जाएंगे विद हर्षल पटेल, इफ एम आई बोल्स फर्स्ट आप जाएंगे विद आकाश मधवाल, ये भर गया आपका एक स्लॉट। अब जो लास्ट स्लॉट है इफ एम आई इज बोलिंग सेकंड, फिर आप जा सकते हैं विद वन बिटवीन पीयूष चावला और श्रेयस गोपाल, एंड अगर आपको थोड़ा सा सेफर जाना है स्लॉट में तो आप जा सकते हैं स्ट्रेट विद वन ऑफ द एक्स्ट्रा बैटर्स, या तो आप जा सकते हैं विद जॉनी बेस्टो, या तो आप जा सकते हैं यहाँ पे विद तिलक वर्मा, क्योंकि उनके साथ ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पंजाब बैट फर्स्ट यू कैन गो विद लियम लिविंगस्टन, तो ये होगी लास्ट चॉइस ऑल इन ऑल, तो ज्यादातर यही होगी आपकी बेस टीम विद वन और टू चेंजेस विद मधवाल एंड जो 11th वाला स्लॉट है। अब कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस की बात करें, इंश्योर करें कि आप सब ये फ्री कॉन्टेस्ट अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, लाइव है ऑन माई मास्ट 11 एंड ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप यूआरएल से जाके अब हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको फाइनल टीम भी। अब कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइसेस, बहुत सारे क्वालिटी ऑप्शंस इस गेम में। टॉप टू होंगे सैम एंड हार्दिक, क्योंकि आपको बैटिंग बॉलिंग वैल्यू दोनों मिलेगी। थोड़े अच्छे चॉइसेस होंगे रोहित, सूर्य कुमार यादव, सेफ होंगे यहाँ पे जसप्रीत बुमराह, एंड थोड़ा रिस्की जाना है तो जेराल्ड क्विट्जी। तो काफी सारे चॉइसेस इस मुकाबले में एंड बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए कंसिडर करने के लिए। तो ये रहा हमारा आज का प्रीव्यू, आई होप आप सभी को पसंद आया हो। जीएल रिस्क एंड ऑप्शंस की बात की जाए तो डेफिनेटली अगर पंजाब बोल फर्स्ट तो यहाँ पे अर्शदीप एंड रबाडा को आप लेंगे तो जरूर आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं ऑन रोहित एंड ईशान किशन, एज अप फ्रंट मूवमेंट से अर्ली विकेट्स पॉसिबल है, नॉट ओनली इन द फर्स्ट इनिंग्स बट ऑल्सो इन द सेकेंड इनिंग्स। बट जब ये पहले बोलिंग करते हैं तो अर्शदीप स्पेशली डेथ में भी डालेंगे, तो यहाँ पे कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस बन जाएंगी। ये होगी पहली रिस्क। दूसरी रिस्क व्हेन पंजाब बोल फर्स्ट, आप जा सकते हैं विद हर्षल पटेल, एज फिर आप डेथ ओवर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड अगर टिम डेविड का दिन कुछ खास नहीं रहा तो ये हर्षल पटेल दूसरी एंड से काफी विकेट्स ले सकते हैं। दूसरा रिस्क क्या ले सकते हैं आप, इवन मुंबई बोलिंग सेकंड पीयूष चावला के साथ ऑप्ट कर सकते हैं, या श्रेयस गोपाल जो भी खेलते हैं स्लॉट में, एज पंजाब की मिडिल ऑर्डर कुछ खास फॉर्म में रही नहीं है तो वहां पे विकेट्स गिरने की चांसेस बहुत ज्यादा हाई। एंड तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं, जब आप मुंबई के टॉप ऑर्डर को यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं तो तिलक वर्मा एंड टिम डेविड को कुछ टीम्स में डेफिनेटली बैक करेगा,
एज ये आपको काफी स्टेबल पारियां खेल के दे सकते हैं इन द मिड लोवर्स। तो ये रहे आज के हमारे रिस्क ऑप्शंस। आई होप आप सभी को ये प्रीव्यू पसंद आया हो। रिमेम्बर टू ज्वाइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिक ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम फॉर द फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स। एंड लाइक ऑलवेज लाइक जरूर करिएगा, कॉमेंट शेयर जरूर करिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए। थैंक यू सो मच।